अभी एक यूट्यूबर मिल के जा रहा है भाई मेरे से, कोरबा का यूट्यूबर है एक्चुअल। मेरे को यहाँ पर खड़े होके ब्लॉग स्टार्ट करते हुए देख लिया था, इसलिए वो गाड़ी रोक के आ गया था। और मैं हूँ अभी जो बिलासपुर और NTP कोरबा को जोड़ता है वो एक ब्रिज है यहाँ पे, वहीं पर खड़ा हूँ। और पीछे में देखो गाय खड़ी है सब, गौठान यहीं पर बन गया लग रहा है ब्रिज पर। कुछ दिन पहले मैं सुना था कि नियम निकला है कि जो भी गाय का मालिक रहेगा उस पर चालान होगा, अब होता है कि नहीं होता है पता नहीं मेरे को, बट गाय लोग वहाँ पर सब खड़ी हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है भाई। मालिक वालिक को क्या ना यहाँ से गायों को हटा लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:07 और मैं अपने ब्लैक बीस्ट रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा में निकल रहा हूँ कोरबा जाने के लिए। तो पता नहीं अब कितने बजे तक कोरबा पहुँचूँगा, क्योंकि रास्ते में ब्लॉग बनाने में लेट हो जाता है कई बार। तो चलो भाई चलते हैं। और रास्ते में ना मैं आज एक काम करूँ सोचा हूँ, जितना कोरबा टू बिलासपुर टू कोरबा में जितना पेट्रोल पम्प पड़ता है वो पूरा पेट्रोल पंप को गिनते हुए जाऊंगा, टाइम पास करते हुए जाऊंगा। और सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ क्योंकि डोंगरगढ़ गया हुआ था, तो डोंगरगढ़ से आया हूँ उसके बाद से मेरे को इतना ज़्यादा थकान हो गया था, कि मैं कुछ उसके बाद खा ही नहीं पाया। मतलब थकान को मिटाने के चक्कर में सोते रहा दिन भर। अब जा रहा हूँ रास्ते में देखता हूँ बलौदा के पास में कहीं पर बढ़िया बड़ा बड़ा बने रहेगा, साहू जी का ठेला है, वहीं पर खाया जाएगा नाश्ता। और उसके बाद इवनिंग में अवन पहुंच के करेंगे राजू होटल में कुछ खाना पीना, उसके बाद जाएंगे घर। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। और तो जब भी आपको अगर बिलासपुर से कोरबा जाना है तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है इवनिंग का टाइम, क्योंकि सूरज देवता जो है पीछे डूबते हैं। अगर आपको कोरबा से बिलासपुर आना है तो वो बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि सूरज देवता जो पीछे से उगते हैं तो अपने फेस पर लाइट नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि जब भी मेरे को कोरबा से बिलासपुर आना है तो मैं मॉर्निंग में निकलूँ, और बिलासपुर से कोरबा जाना है तो मैं इवनिंग में निकलूँ, ताकि आराम से जो विंडशील्ड है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का नहीं है वाइट कलर का है, तो इसमें पूरा चमकता है अच्छे से, ब्लैक कलर का नहीं चमकता है। और मैं जर्नी स्टार्ट किया जाए हनुमान जी का नाम लेके, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। मेरे को लगभग यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा कोरबा पहुँचने में अगर मैं बिना ब्लॉग बनाए जाता हूँ तो, और ब्लॉग बनाते हुए जाता हूँ तो लगेगा मेरे को 7 बज जाएगा कभी कभी। तो मैं ब्लॉग बनाते हुए जाऊँगा और आराम से जाऊँगा, बीच में कहीं स्पीड बढ़ाऊँगा क्योंकि आराम से ज़्यादा जाऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। भैया लोग गौठान कहाँ है आप लोग का, गौठान का बेच खाए का पूरा मन। यहाँ से NTPC सिपत जो है 7 किलोमीटर दूर है, और अभी किलोमीटर रीडिंग है 36:08। ये भाई NTPC सिपट लिमिटेड, अभी पहुंच गए हम लोग। कितना किलोमीटर चला के, लगभग 8 किलोमीटर चला के, 16 हो रहा है ना, 8 किलोमीटर चला के अभी पहुंचे हैं सिपट। और अंधेरा होने लगा है और मैं स्पीड बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है। लोग क्या है मार्केट में निकले होते हैं ना, तो गाड़ी 40-50 जा रहा है और थोड़ा देर में ही अंधेरा हो जाएगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो मेरे को ना वीडियो बनाना बंद करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोरबा में फिर मैं मिलूँगा। लगता है कि बलौदा तक पहुँचते तो पूरा अंधेरा हो ही जाएगा।
मैं अभी इस रूट से निकलता हूँ एनटीपीसी से, क्योंकि अब जल्दी से अंधेरा हो जाएगा और मुझे लेट हो जाएगा जाने में। अब तो बलोता कैंसर है, डायरेक्ट अब कोरबा में ही खाना पीना होगा, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है और मेरे को रास्ते में यहाँ पर कुछ खाने का मन नहीं करता है रोड का।